नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, दीपावली की पूजा तो हर भक्त ने सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा के साथ अपने घर के अंदर कर ली। जिसका जैसा सामर्थ्य था और जिसने जैसे जतन के साथ माता लक्ष्मी को मनाने का प्रयत्न किया, उसने माता लक्ष्मी को मनाया। और निश्चित तौर पर दोस्तों, ऐसे भक्तों पर माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और देखते ही देखते उनके घर परिवार को खुशियों से भर देती है। लेकिन दोस्तों, क्या दीपावली की रात माता लक्ष्मी ने आपके घर के अंदर प्रवेश किया, या फिर दोस्तों अब माता लक्ष्मी आपको मालामाल करेगी या नहीं करेगी? दोस्तों, अगर आपको यह संकेत मिल गए हैं या मिलने वाले हैं, तो समझ जाइए कि माता लक्ष्मी ने आपके द्वार को धन से भर दिया है। अब आपके घर के अंदर आएगी तो केवल खुशियां, उड़ जाएगा तो केवल दुख। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी ने आपके घर के अंदर प्रवेश किया। दोस्तों, दीपावली की रात्रि को हर कोई व्यक्ति ने अपने घर के अंदर दीपक जलाया। तो दोस्तों, दीपक जितनी देर तक एक बार घी या तेल डालने के बाद लगातार अगर कोई दीपक 24 घंटे से ज्यादा जल जाता है जिसके घर के अंदर, और दीपक अखंड रूप से जलता रहता है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर देवी का अपने आप ही अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। क्योंकि दोस्तों, दीपावली के दिन हर कोई भक्त अपने घर के अंदर एक बड़ा घी या तेल का दीपक जरूर जलाता है। और दोस्तों, वह दीपक जब तक जलता रहता है तब तक दोस्तों उसके अंदर घी या तेल समाप्त नहीं हो जाता। तो दोस्तों, जिन किसी व्यक्ति का दीपक 24 घंटे से ज़्यादा, जब आपने पूजा की थी उसका पूजा का अगला दिन तक वह दीपक ऐसे ही जलता रहा, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। दूसरी चीज़ की बात करें तो दोस्तों, दीपावली के अंदर माता लक्ष्मी की चौकी पर आपने जो भी फल या जो भी सामग्री आपने अर्पित की थी, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि जो भी फल आपने अर्पित किया था वह वैसे के वैसे है, अर्थात कि वो बिल्कुल ना तो सड़ा है ना गला है, और जिस प्रकार आपने ताजा रखा था उसी प्रकार उसके अंदर ताजगी बनी हुई है। तो दोस्तों, समझ जाइए कि आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी ने एक अलग ही ओजस्व, एक अलग ही चमत्कार दे दिया है। तो इसका मतलब है कि आप उस फल को ग्रहण कीजिए, और जैसे ही आप ग्रहण करेंगे उसी समय से आपके घर के अंदर अपने आप ही खुशियां देखने को मिल जाती है। इसी तरह दोस्तों, दीपावली के बाद अचानक आपके घर के अंदर कोई बिल्ली का आगमन बढ़ जाता है, बिल्ली आपके घर के द्वार के आसपास या लगातार आने जाने रहती है, या फिर दोस्तों कोई छिपकली आपके घर के पूजा घर को नहीं छोड़ती है, या फिर दोस्तों कोई छचुंदर आपके पूजा घर के आसपास ही आने लगा है अब, और दीपावली के दिनों के दौरान या दीपावली की रात्रि को उसने आपके घर के अंदर प्रवेश किया था, तो दोस्तों समझ जाइए कि आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी साक्षात रहने के लिए आ चुकी है, और अब आपके घर के अंदर अच्छी चीजें देखने को ही मिलेंगी। इसी तरह दोस्तों, दीपावली के बाद लंबे समय से कोई व्यक्ति आपके आपसे बात नहीं करता था या लड़ाई झगड़ा होता था, वह व्यक्ति आपसे आकर माफी मांग लेता है, या फिर दोस्तों वह आकर आपसे मित्रता का व्यवहार रखने लग जाता है, तो दोस्तों इसका मतलब है अब आने वाला समय आपका उज्जवल होगा और माता लक्ष्मी की कृपा से ही ऐसा आपके जीवन के अंदर देखने को मिला है। इसी तरह दोस्तों, अगर आपका धन कर्ज ज्यादा बढ़ गया था जो चुकता नहीं था, लेकिन दीपावली के बाद आपका सारा कर्ज धीरे धीरे उतर जाता है, या फिर दोस्तों कोई व्यक्ति सामने से आकर आपको पैसे देकर चले जाता है, तो इसका मतलब है माता लक्ष्मी का आपके घर के अंदर प्रवेश हो चुका है। दोस्तों, अगर आप पशुपालन करते हैं और तो दीपावली के दिन अगर आपके घर के अंदर किसी प्रकार से कोई बछिया ने जन्म लिया है, या फिर आप गाय का छोटा सुंदर मुख का बछड़े ने जन्म लिया है, तो दोस्तों अगर बछिया ने जन्म लिया तो इसका मतलब है माता लक्ष्मी आने वाले पूरे साल आपको ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति करवाएगी। और दोस्तों, अगर बछड़े ने जन्म लिया है तो समझ लीजिए कि बाहर वाले जो भी संसारिक दुख और कष्ट होते हैं वह आपके तुरंत प्रभाव से चले जाते हैं, और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई कष्ट देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह दोस्तों, दीपावली के बाद आपको प्रसन्नता का अनुभव होना, आपको मन ही मन भक्ति का भाव आपके अंदर जागृत हो जाना, हर पल आपकी जो दुख दारुणे थे आप उनको भूल जाते हैं और आपके मन के अंदर खुशियां बनी रहती है, तो दोस्तों
यह भी माता लक्ष्मी की पूजा के संकेत है। और समझ आइए कि आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है, इसी वजह से आपके साथ ऐसा घटित हो रहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के अंदर जय महालक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।